हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा क्रोशिया का पोंचो लेकर आई हूँ। तो चलिए आइए देखिए मेरे साथ इसे कैसे बनाते हैं। ये कम से कम 2 से 3 साल तक के बच्चों के लिए है। अगर ऊन पतला है तो आप 80 घर डालें और अगर ऊन मोटा है तो आप 60 चैन डालें। इस तरह से चैन डाल लेना है। ये हमारा ऊन पतला था इसलिए हमने 80 चैन लिया है। अब हम इसे जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद हम 3 चैन लेंगे और फिर 3 चैन छोड़ के फंदा डालेंगे और एक ही चैन से तीनों फंदे निकालेंगे। इस तरह फिर 2 चैन लेना है। 2 चैन लेके फिर इसी तरह 3 चैन छोड़कर 3 फंदे निकालेंगे। इस तरह हम 11 बनाएंगे। अगर आप कम घर डाल रहे हैं तो आप 9 बना सकते हैं। बेजोड़ बनाना है 7, 9, 11 या 13 ऐसे। और 11 बनाने के बाद हम बीच का पॉइंट डालेंगे, उसके बाद फिर 11। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एक रो कंप्लीट कर लिया है और हमने इसमें 2-2 चैन लिए हैं और 3-3 चैन छोड़ के फंदे डाले हैं। एक ही चैन से 3-3 फंदे निकाल लिए हैं। इस तरह से बिनकर इधर हमने 11 लिया है और इधर हमने 11 लिया है। अब जो बीच में हम कोन निकाले हैं, आइए देखते हैं। हमने सेकंड लाइन स्टार्ट किया है और सेकंड लाइन बिनते बिनते मैं आपको कोन बनाना बताती हूँ। सेकेंड लाइन में भी हमें वैसे ही 2-2 चैन लेने हैं और एक ही घर से 3-3 फंदे निकालने हैं। इसी तरह हमें बिनते चले जाना है। फिर 2 चैन लेके 3 फंदा। अब देखिए कोन कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 चैन लेके हमने 3 फंदा जैसे हमने निकाला था वैसे ही निकालना है। फिर हम 2 चैन डालेंगे और सेम जगह से 3 फंदे और निकालेंगे। देखिए ये हमारा कोन बन गया है। फिर हम 2 चैन डाल के जैसे बिनते हैं वैसे बिनना शुरू करें। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 2 लाइन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम ऊन का कलर चेंज करके और 2 लाइन बिनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये 2 लाइन मरून लगाने के बाद हमने फिर से वाइट धागा लगाकर बिना है और इसी तरह बिनते चले जाना है। बस 2-2 चैन लेने हैं और 3-3 फंदे। ये हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसका झालर बनाएंगे। देखिए 2 लाइन हमने वाइट बिना है, फिर 2 लाइन मरून डाला है, 10 लाइन वाइट बिनकर 2 लाइन मरून डाला है, फिर 2 लाइन वाइट। अब हम इसका झालर भी मरून से ही बनाएंगे। तो देखिए इसका झालर कैसे बनाते हैं।
एक ही जगह से हमने 6 फंदे निकालने हैं और फिर 4 चैन लेने हैं। इस तरह से चैन को हम लॉक कर देंगे और फिर 6 फंदे वहीं से लेंगे। जिस तरह पहले हमने छोटे से थोड़ा सा बड़ा किया था, उसी तरह अब हम बड़े से थोड़ा छोटा करते चले जाएंगे। देखिए ये इसका झाड़ बन गया है। अब हम इसे इसके बगल वाले जगह में लॉक करेंगे। ये अब हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे यहाँ लॉक कर देंगे। देखिए ये इस तरह से नीचे बॉर्डर बन चुका है। अब हम ऊपर में भी इसे हल्का बॉर्डर इस तरह का डालेंगे। तो देखिए इसे कैसे डालते हैं। इस तरह से हम पूरे गले में इस तरह का बॉर्डर डाल देंगे। ये हमारा पोंचू बनके तैयार हो चुका है। यहाँ हम फ्लावर लगाएंगे। देखिए किस तरह हमने लगाया है। ये हमारा बैक साइड है। इसी तरह हम फ्रंट में भी 3 फ्लावर लगाएंगे और ये चैन हमने 3 डबल उन करके सिंपल चैन बिना है। गौर से देखिएगा, इसमें हम आपको फूल बनाना बता रहे हैं। पहले 6 चैन लेना है। देखिए लॉक करने के बाद हमें बीच में से ही 4 फंदे निकालने हैं। चार फंदे निकालने के बाद हम उसे लॉक करेंगे। लॉक करने के टाइम हम उसे शॉर्ट चैन बनाएंगे। इसी तरह हमें 5 पत्तियां बनानी है। इस तरह हमने 5 पत्तियां कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ इसे लॉक करके धागे को कट कर देंगे। इस तरह से ये फूल बनके तैयार हो चुका है। देखिए ये हमारा पोंचू बनके तैयार हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।